भैया फाइनली 12 घंटे बाद गाड़ी वर्कशॉप से निकल आई है और आई कैन नॉट वेट टू शो यू दिस कार। This is the last time you are looking at this car on this height. Probably हम इंशाल्लाह इसके बाद एक दफ़ा ऊँची गिनेंगे जब हमने ट्रिप पे जाना होगा, क्योंकि आपको पता है ट्रिप पे जाने से पहले हमें ऊपर करनी पड़ेगी। वो देख सकते हो आप चूड़ियाँ नज़र आ रही होंगी आपको कॉइल ओवर्स की। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक है, इसे मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू नदर ब्लॉग बॉयज। कल का ब्लॉग अगर आपने नहीं देखा, मैं आपको बता दूँ कल के ब्लॉग में हमने गाड़ी के अंदर फ्रंट के कॉइल ओवर्स डलवा लिए थे, बैक के नहीं डलवाए थे क्योंकि गाड़ी के अंदर सस्पेंशन रिलेटेड काम था जिसमें सस्पेंशन इसकी रीन्यू होनी थी, रिपेयर होनी थी, बुशेस टूटे हुए थे, बुशेस नए लगने थे, तो आज वो भी करवाएंगे। और आज मेनली फोकस होगा हमारा गाड़ी लो करने पे, और इंशाल्लाह जब सबसे गाड़ी निकलेगी तो लो के निकलेगी। कल भी वैसे यही उम्मीद थी। खैर बॉयज़, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और लेट्स गो टू द वर्कशॉप। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो फटाफट, वीडियो को लाइक कर दो और इंस्टा पे आप भाई को फॉलो भी कर सकते हैं। अच्छा बॉयज़, मैं आपको कॉइल ओवर्स के रिलेटेड एक मिसकंसेप्शन क्लियर कर दूँ कि कॉइल ओवर से गाड़ी बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाती है। वो डिपेंड करता है कि यार आपने किस किस्म के कॉइल ओवर्स लिए हैं और आप उनको किस सेटिंग्स पर चला रहे हैं। सारी डिटेल वीडियो कल की वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें मैंने खुद भी सीखा था कॉइल ओवर कैसे एडजस्ट करते हैं और आप लोगों को भी कोशिश की थी मैंने कि आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन उस वीडियो से मिल सके। तो पॉइंट ये है कि ये कॉइल ओवर पर भी गाड़ी चल रही है और आई डू नॉट फील द डिफरेंस। जो सबसे बड़ा मेन डिफरेंस है, अगर आप कोई अच्छा कॉइल ओवर लेते हो तो वो आपको मेन एक ही डिफरेंस फेस करना पड़ेगा, वो ये है कि ऑब्वियसली बात है यार जो शॉक अब्जॉर्बर इसका ओरिजिनल होता है उसका इतना बड़ा स्प्रिंग होता है, इसका इतना सा स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग के साइज में फर्क होता है। तो कॉइल ओवर्स की एहतियात भी करनी पड़ती है। अगर आप कॉइल ओवर्स की एहतियात नहीं करते हो, खड्डों से देख के नहीं चलाते हो, तो कॉइल ओवर फिर लीक हो जाता है, रिपेयर भी हो जाता है। लेकिन ये डिजाइन में रखिएगा कि ऑब्वियसली जब भी आप गाड़ी से पंगे लेते हो, हमेशा की तरह मैं एक ही बात कहूंगा, जब भी आप गाड़ी से पंगे लेते हो तो गाड़ी ऑब्वियसली वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। अब ये जो मार्केट साइज की सस्पेंशन बहुत मजे की है, ये देखे अभी आपने जंप, इसका जंप ये था, मतलब इट बाउंसेस बैक। कॉइल ओवर का यही होता है इशू, ये बाउंस बैक करता है एक दफा। लेकिन अब वर्कशॉप चलते हैं और मुआज भाई से भी डिस्कस करते हैं कि भैया इसका कोई इलाज है या नहीं। गाड़ी का जो सारा सस्पेंशन के रिलेटेड सामान है वो खुल गया है, ये पड़ा हुआ है, ये जाएगा खरादिए भाई के पास, वो करेंगे इसको अच्छी तरह प्रेस और हम जा रहे हैं ये बुश लेने, ये बहुत ज़रूरी है। ये हम जाएंगे और मार्केट से नए दो बुश लेकर आएंगे, ये खरादिए को ये भिजवा देंगे और वहाँ से ये ठीक होकर वापस आ जाएगा। हम चलते हैं और ये बुश लेकर आते हैं। जो गाड़ी के बुश हैं वो हमने दो खरीद लिए हैं। लो भैया। अच्छा बॉयज़, अभी हम वापस आ गए हैं वर्कशॉप, बुश हमने इनको दे दिए, वो फिट करेंगे। अभी खरादी के पास सामान गया हुआ है तो कुछ टाइम लगेगा वापस आने में, तो उतनी देर हम जा रहे हैं कहीं बाहर क्योंकि वर्कशॉप बहुत गर्मी है यार। आज मौसम कुछ बेहतर है, मतलब धूप नहीं निकली लेकिन फिर भी गर्मी है, तो हम कहीं चलते हैं कुछ हल्का फुल्का खाते पीते हैं। कोको इज विद अस, आई मीन बासिम इज विद अस, लेट्स गो। बेसिकली वी बॉयज़ आर प्लानिंग अ ट्रिप। अब वैसे पिछले ब्लॉग में शायद मैंने जिक्र किया था इस बात का, आई एम नॉट श्योर मैंने किया था कि नहीं किया था, लेकिन आपको बताया था कि हम एक मज़ेदार सा एडवेंचरस सा ट्रिप प्लान कर रहे हैं। अभी तक लोकेशन डिसाइड नहीं, जो लोकेशन डिसाइड हुई थी वो डामाडोल ले जा रही है, और अभी बासिम साहब के साथ मैं आया हूँ ट्रिप को प्रॉपरली प्लान करने, ऑर्गेनाइज करने के क्या करना है क्या नहीं करना। कुछ जगह हैं जो मैंने देखी हैं, कुछ जगह जो बॉयज़ ने नहीं देखी हुई, और एक जगह है जो किसी ने नहीं देखी, लेकिन वो उस जगह पे घुमा ही नहीं रहा जिस जो जगह किसी ने नहीं देखी। मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगा, अभी प्लान हम कुछ कर लें, रिवील अभी तो नहीं करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह तब तक प्रॉबेबली मार्केट्स भी सेट हो जाएगी। और ये देख रहे हैं आप पेपर वर्क चल रहा है ट्रिप पे, इतनी मेहनत कर रहे हैं, बड़ा मजे का ट्रिप आने वाला है। आपने ज्यादा कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो कि आप नहीं कर करते फटाफट कर दे, दो सेकंड की बात होती है, सब्सक्राइब करते और वीडियो पे लाइक और इंस्टा पे फॉलो। अभी तो गाड़ी जहाँ पे छोड़ के गए थे वहीं की वहीं पे। रूडी, हाँ जी भैया, कहाँ तक पहुँचा काम? बस ये आसमान आ गया फिट करने। प्रेस अच्छी तरह हो गया? हाँ जी, चलो बेस्ट हो गया। एक्सक्यूज मी, हाँ जी, वन मिनट। व्हाट, वन मिनट, क्या मसला है? क्या शील्ड कस रहे हैं आप? भैया ये शील्ड क्लिप की जरूरत थी, इसकी शील्ड सेट करवा रहा हूँ मैं शौकत भाई से, शौकत भाई ने इसकी शील्ड सेट कर दी है ऑलमोस्ट,
और ये अब इसके क्लिप्स लगा रहे हैं। ये है वो बुश जो हम देख रहे थे और सामान फिट होना शुरू हो गया और इस वक्त 5 बज रहे हैं तो प्रोबेबली अभी 1-2 घंटे और लग जाएंगे क्योंकि अभी आगे से कॉइल ओवर एडजस्ट होना है, वहाँ से भी कॉइल ओवर लगने हैं, पीछे वाले कॉइल ओवर तो कल हमने नहीं लगवाए थे और आगे से ऑलमोस्ट पैक होने वाली है गाड़ी। भैया ट्रिप के सारे बॉयज इकट्ठे हो गए हैं लेकिन ट्रिप डिस्कस करने के बजाय ये आपस में अपनी तफरी कर रहे हैं। एक बंदे ने PS4 स्टार्ट कर लिया, एक ने लैपटॉप खोल लिया और एक सोच रहा है कि उसने जिंदगी में आगे करना गया। फिलहाल आगे की भाई खाना खाने की भूख लगी है, खाना आपको पता है रोजाना खाते हैं तो आपको फिर दिखाते हैं। और अभी हमने थोड़ी देर बाद वर्कशॉप भी जाना है, हमें नहीं पता अभी वर्कशॉप पे क्या अपडेट है, मार्केक्स की रूडी लो हो गई है या नहीं हुई और क्या कॉइल ओवर एडजस्ट हो गए हैं या नहीं हुई है, सस्पेंशन का काम हो गया क्योंकि बिलालगंज से एक पार्ट भी आना था जो उसके अंदर लगना था वो भी आ गया होगा। इब्राहिम भाई ने कल कहा था वो मैं भिजवा दूंगा तुम्हें, तो वो भी प्रॉबेबली फिट हो गया होगा और गाड़ी अभी लो हो रही होगी। यार वो बेचारा सोया हुआ है, इसको मस्ती सूझी यही कह रहा है उसका नाम कोको मेलन डाला। अभी मौज भाई की कॉल आई है जिनकी वर्कशॉप पे गाड़ी खड़ी है, वो कह रहे हैं कि भैया गाड़ी की चाबी आप साथ ले गए लॉक करके, उसमें बेसिकली गोप्रो पड़ा हुआ था, चीज़ें पड़ी हुई थी, मैंने गाड़ी लॉक कर दी थी, मुझे जहन में ही नहीं रहा कि उनको चाबी देके आनी है, तो अब हम चलते हैं फटाफट, पास ही है वर्कशॉप, उनको चाबी देके वापस यहाँ पे आते हैं क्योंकि अभी हमारा जो एक बछिंदा है वो डाउन हो गया, सो रहा है वो, कोको मेलन इसका नाम इसने रख दिया है, तो ये सो गया कोको मेलन। और अहमद भाई अभी सोच से बाहर आ गए हैं, ये सोच से बाहर आ गए कि इन्होंने जिंदगी के साथ क्या करना है और हमने खाना खा लिया एंड लेट्स गो। गाड़ी आगे से मुझे लो नज़र आ रही है यार, अच्छी लग रही है माशाल्लाह। फिटमेंट चेक करें हम, वेरी वेरी क्लोज फिटमेंट। टायर तो नहीं लगेगा साथ, टायर तो साथ नहीं लगेगा, नीचे अच्छा चलो ये चाबी पकड़ो। अच्छा भैया आगे से इन्होंने सेटिंग कर दी है, अभी नीचे उतार के फाइनलाइज होगी कि इसी हाइट पर रखनी है और नीचे करनी है। अभी ईंटों पर हैं टायर्स, अभी ये जब तक गाड़ी नीचे नहीं आएगी सही से पता नहीं चलेगा। और पीछे वाले शॉक्स अब ये निकालने लगे हैं तो बस चलते हैं वापस, और तब तक आगे ये प्रॉबेबली जब हम वापस आएंगे तो कॉइल ओवर पिछले भी सेट हो गए होंगे। भाई कोको मेलन इज स्टिल स्लीपिंग, वक्त बर्बाद कर रहा है हमारा एक दोस्त, कोशिश तो जारी है इसको उठाने की। बासिम यार अली ने कहीं जाना है यार, उसके घर वाले इंतजार कर रहे हैं, चिड़चिड़ लगाई है, सारी रात बोलेगा तो कल रात मिल जाएंगे। यार मेरी बात सुन, तूने जाना है ना साले, तू यार तू भी मामू की तरफ जा रहे हैं, मामू की तरफ जा रहे हैं, उठ भी बेचारा नींद में ही चेक कर सकते हो आप। और हम जा रहे हैं अब वर्कशॉप सीधा, और वर्कशॉप जाके अब देखते हैं कि यार गाड़ी का क्या स्टांस है। वेरी वेरी एक्साइटेड, एनर्जी से आपको नहीं लग रहा होगा क्योंकि सुबह से निकले हुए हैं यार इस काम के पीछे, तो इसीलिए चलते हैं सीधा और आपको भी गाड़ी दिखाते हैं और खुद भी देखते हैं कि गाड़ी का स्टांस कैसा बना और गाड़ी खूबसूरत लग रही है या नहीं लग रही। लो जनाब अपडेट ये है कि इस वक्त ऑलमोस्ट 10 बजने वाले हैं और अभी तक गाड़ी हमारी क्लियर नहीं हुई। क्लियर इस वजह से नहीं हुई क्योंकि पीछे से भी एक सस्पेंशन रिलेटेड काम था, एक पुर्जा चेंज होना था दोनों साइड से, एक साइड से हो चुका है और कॉइल ओवर भी फिट हो चुका है, लेकिन दूसरी साइड का वो फिट अभी हुआ है ताज़ा और अभी कॉइल ओवर वो फिट कर रहे हैं, तो अभी मतलब थोड़ा आधा पौना घंटा और मज़ीद लगेगा, उसके बाद गाड़ी हमारी ओके हो जाएगी। आगे से ड्रॉप हो गई है और पीछे से अभी ड्रॉप हो जाएगी इंशाल्लाह, और लेट्स सी चला के क्या गाड़ी हमें कहती है, क्या कोई मसला करती है या फिर नहीं करती, ये भी ड्रॉप करने के बाद ही पता चलेगा। भैया फाइनली 12 घंटे बाद गाड़ी वर्कशॉप से निकल आई है और आई कैन नॉट वेट टू शो यू दिस कार। अगर गाड़ी की ड्राइव की बात करें लो करने के बाद के कोई फ़र्क पड़ा है या ख़राब हो गई है या हार्ड हो गई है, तो यार इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। मतलब मैं एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा कर रहा था कि यार बहुत स्टिफ राइड होगी या बहुत ज़्यादा जो है ना बाउंसी राइड होगी, कंपैरेटिवली ओरिजिनल शॉक से तो है बाउंसी, लेकिन ये है कि मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। आपके सामने है देर इज़ लिटरली नो बाउंस मेरे लिहाज से, कॉइल ओवर लगने के बाद और गाड़ी इतनी लो होने के बाद ये बाउंस इतना मैटर नहीं करता जो अभी थोड़ा बहुत बाउंस कर रहा है। मुझे तो भाई बड़ा मज़ा आ रहा है और पहली बारी में
गाड़ी क्लियर होना कोयले में लगने के बाद ही मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ है, शुक्र है अल्लाह का बेस्ट राइड हो गई है और कहीं लग नहीं रही। टायर्स लग रहे हैं शील्ड के अंदर, ऑब्वियस ही बात है यार, टायर अंदर टक इन हुए हैं आगे से भी और पीछे से भी टायर इस वक्त टक इन है। पीछे से ज्यादा ड्रॉप लग रही है आपको रोलिंग शॉट्स में, मैं देख रहा था। आई होप आपको ये रोलिंग शॉट्स पसंद आए होंगे और बड़ी मेहनत लगी है यार गाड़ी लो करने में। कल से इंतजार था कि गाड़ी कब लो होगी, कब लो होगी, कब इसकी लुक हम देख पाएंगे और माशाल्लाह पर्सनली आई लव द लुक। अभी रिम टायर लगे भी नहीं है और गाड़ी माशाल्लाह इतनी खूबसूरत लग रही है, फुल गाड़ी ना लग रही जैसे ओन कर रही है रोड को, इस तरह की जैसे लालो को देख के अक्सर मुझे लगता है ना, मतलब वैसी वाइब आ रही है। इसे लालो वाली रिम टायर का बहुत बड़ा खर्चा रहता है, वो भी होगा इंशाल्लाह, रिम टायर का वाकई बहुत बड़ा खर्चा होता है इसलिए वो भी होगा। आप बस ज्यादा नहीं करना, उन्हें सपोर्ट करते रहना, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक बस बरसात कर दो आज लाइक की, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है इसको लो करने में और भी बहुत सारे काम है अभी हमने करवाने हैं। अभी तो मॉडिफिकेशन का आगाज है, बीच में कुछ मैकेनिकल काम भी करवाएंगे, कुछ नहीं एक आधा ही रह गया बस। इसका सस्पेंशन मेन था, ये भी हो गया, अब इसका LHD डिफरेंशियल वो भी लगवाना है हमने और कुछ चीजें साथ साथ चलती रहेंगी, आपको भी व्लॉग्स मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। आई होप आपको ये जो आज का व्लॉग है पसंद आया हो और डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो ह्यूज थम्स अप क्योंकि बहुत मेहनत लगी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय बाय, लव इज टाटा। एक्साइटमेंट चेक कर रही हो मेरी, इतना मतलब अच्छा लग रहा है मुझे गाड़ी को देखते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। जिस चीज़ का शुरू से इंतजार था वो आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गई है। ये वैसे डे वन पे भी कर सकते थे लेकिन जो मेजर मैकेनिकल मसले थे ना इसके वो हमने क्लियर करने थे, अब वो भी हो गए हैं तो आहिस्ता आहिस्ता अब मॉडिफिकेशन भी स्टार्ट करते हैं। क्या कमाल किस्म की ऑल्टो है यार, ऐसा रैप करवाने का कभी कभी दिल करता है मेरा मार्केट से। क्यों मैं कहूँ व्लॉग में प्लीज, क्या किसका भाई गाड़ी लो भी होगी तो मैं अभी तक सोया हुआ यार भाई, आगे गाड़ी तो देख, इधर ड्रोन की बैटरियां अरेंज हो रही हैं, उधर अभी भी सोचा है जिंदगी का क्या करूं। अरे ये दूध थोड़ा आ रहा है, दूध थोड़ा तो है नहीं, क्या ये मिल्चेक है? अच्छा मिल्चेक है, मुझे लगा दूध थोड़ा। कौन सा ब्रदर, एप्पल? लुक एट हाउ द कार इज लुकिंग ब्रदर, नींद में हूँ तुम्हें क्या समझ आनी है? कैसी लग रही है? गुड नाइट, अल्लाह।